ये नाग चंपा है, इस पर भी बहुत सुंदर फूल आ रहे हैं। ये पौधे जितने गर्मियों में घने होते हैं और इतने सुंदर सुंदर फूल आते हैं ना, जैसे ही विंटर आएगा सारे की सारी पत्तियां झड़ जाएंगी, बिल्कुल ही प्लांट एकदम डल हो जाएगा, खाली खाली सा। ये गर्मियों के पौधे ना सिर्फ गर्मियों में ही अच्छे लगते हैं, उसके बाद जैसी सर्दी आती है ऐसे लगता है जैसे इस पे कोई पत्ती भी नहीं है ना ही फूल है। इतने सुंदर नहीं होते जितने आप होंगे, कितना घना लुक आ रहा है। ये मैंने कटिंग से तैयार किया था, इस पर भी अब फूल आने लग गए। और सबसे अच्छा जो लगता है ना गार्डन में इस समय, वो रेन लिली। कितने सारे फूल आते हैं एक साथ। रेन लिली के फूल भी बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। मेरे पास ये सफ़ेद कलर के हैं। अगर ये प्लांट एक बार गार्डन में आ जाता है ना, तो फिर तो इसको डिवाइड करके हर साल कितने सारे फ्री के पौधे बनते चले जाते हैं। और इस पर भी अभी फूल आएंगे, ये विंटर में ये भी ऐसे ही हो जाएगा, फिर एक कॉर्नर में रखा रहेगा, लेकिन अभी तो अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं सब्जियों की, जो हम आगे सर्दियों में सब्जियां खाते हैं उसकी। तो सबसे पहले जो मैं बात कर रही हूँ पालक। पालक लगाने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम आ गया है, घर में ताज़ा ताज़ा पालक। तो यहाँ पर मैंने ये पालक के बीज लगाए थे जो बहुत ही अच्छी तरह से हो गए हैं। मौसम के अनुसार होता है ये सब कुछ। मैंने पहले भी लगाए थे लेकिन गर्मी ज़्यादा थी तो नहीं हुए थे, तो ये दोबारा से अगस्त के महीने में लगाए थे, तो आज बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। यहाँ पर मैंने ये धनिया लगाया है, खूब सारा धनिया लगा दिया है गमलों में, ये भी बहुत अच्छी तरह हो गए। मेथी के लिए अभी सही टाइम नहीं है। तो जब भी हम बीज लगाएं तो थोड़ा थोड़ा करके लगाना चाहिए, एक साथ नहीं सारे बीज लगाने चाहिए। ये सब कुछ मौसम के हाथों में होता है कि अगर मौसम सही है तभी हमारे बीज चलेंगे, तो कई बार तो मिट्टी के अंदर बीज ही पड़े रहते हैं। लौकी कद्दू ये तो अभी चल ही रहे हैं, लेकिन ये जो सब्जियां हैं ये आगे सर्दियों में चलेंगी। तो अगस्त के महीने में जो हमें सब्जियां लगानी चाहिए वो पालक, धनिया, छोटे से छोटे गमले में बड़ी ही आसानी से हो जाता है। यहाँ पर मैंने ये बैंगन के भी लगा दिए छोटे छोटे, घर पे ही तैयार किया था बीज, जो घर में हम बैंगन लाते हैं उसी का बीज तैयार किया था, ये मैंने बाजार से नहीं लिया था। और ये टमाटर, टमाटर तो बहुत महंगा हो गया था अब की बार, बहुत ही ज़्यादा, और ये सब गर्मियों में होता है। तो ये तो मैंने जो घर में टमाटर लाई थी उसी से बीज रेडी किया है, वही टमाटर के बीज गमलों में डालती चली गई तो उससे होने शुरू हो गए। अभी गर्मी है तो थोड़ा ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन आगे ये सही हो जाएगा, तो टमाटर भी अब आराम से लगा सकते हैं। बैंगन और टमाटर और हरी मिर्च, हरी मिर्च तो बहुत ज़रूरी होती है। मेरे पास जितने पुराने सब्जियों के प्लांट थे मैंने वो सब निकाल दिए, जैसे बैंगन के हो गए थे और मिर्ची के और शिमला मिर्च के, सब निकाल दिए, मैंने दोबारा से न्यू लगाए हैं, क्योंकि उनके जड़ें बहुत ज़्यादा फैल गई थी और घने भी बहुत हो गए थे और मेरे पास जगह की कमी भी है, तो इसलिए मैंने सारे निकाल दिए। अभी क्यारी को भी साफ किया है, इसमें खाद वगैरह डाल के छोड़ दिया है, क्योंकि आगे अक्टूबर नवंबर में मैं इसमें मेथी लगाऊंगी पूरी की पूरी क्यारी में, अभी इसमें और कोई सब्जी नहीं है। और ये नारी का पौधा है, मैं लेकर आई हूँ इसको। ये जैसे हम पालक को पालक इस्तेमाल करते हैं अपने किचन में, ऐसे ही इसका भी इस्तेमाल होता है, इसकी जो पत्तियां हैं इसका खाने में इस्तेमाल होता है। तो ये जगह जगह मैंने कटिंग लगा दी है, ये प्लांट मेरे पास अब रहेगा, एक कटिंग ये लगाइए एक इधर भी लगाइए। और यहाँ पर ये बैंगन,
फिलहाल तो यही सब्जियां हैं, और जो मेरे पास बेले थी वो सब मैंने निकाल दी हैं, क्योंकि ये जगह बहुत लेती हैं, फैलती भी हैं, हवा भी चल रही है और इससे कचरा भी बहुत हो जाता है। ये मेरा मनी प्लांट है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये अपराजिता की पूरी बेल ऊपर गई है, इसके फूल बड़े प्यारे होते हैं। चलिए आज फूल भी देख लेते हैं। सब्जियों के साथ साथ मैंने अपना एक छोटा सा गार्डन भी दिखा दिया है, अंदर बाहर जगह जगह बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं। ये छत बहुत अच्छी बन गई है इससे, और यहाँ पर ब्यूटीफुल टर्टल वाइन। मेरी कोशिश है ये और नीचे तक चली जाए, लेकिन शायद चली जाएगी अब की बार। तो ओके दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो देखना ज़रूर, और ऐसे ही जो हमारे पास सब्जियों के पौधे हैं, सब्जियों के जो बीज हैं, वो थोड़े थोड़े करके लगाते रहना चाहिए। एक साथ कभी नहीं लगाना, क्योंकि हर जगह का मौसम अलग अलग होता है।